हाय नमस्कार भाई और उन सभी की बहनों, आप सभी भी का स्वागत है पोकेमॉन ओमेगा के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो गाइस, ये पोकेमॉन ओमेगा रूबी का एपिसोड नंबर 3 है। लास्ट टाइम गाइस हम इस वाली सिटी के अंदर थे, तो गाइस अब हमें आगे की सिटी के अंदर जाना है और गाइस साथ ही साथ आज अपनी जिम बैटल भी पूरी करनी है। सो गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है गेम को आगे खेलने के लिए। सो गाइस हम यहाँ पे रूट 104 में आ गए। अगर गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाके कर दीजिए। ओके गाइस, ओ क्यूट क्यूट आंटी। सो गाइस लेट्स सी, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मैं इनसे बाद में बैटल कर लूँगा जब मेरे को पोकेमॉन लेवल अप करने होंगे। सो यहाँ पे एक अंकल है बहुत ही क्यूट, और पानी में भी हम जा सकते हैं नहीं इसे ज़्यादा, लेकिन गाइस कितना एनिमेशन दिया, बहुत मज़ेदार गेम है गाइस। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया जल्दी जाके करो गाइस, मैंने चैनल पर लिंक दे रखी है। ओके अंकल हमसे कुछ बोले नहीं, मैंने बस बोला, देखा भी नहीं वो क्या बोल रहे थे। पीछे देखो पैरों के मार्क्स भी पड़ रहे हैं। सो गाइस चलो आगे की तरफ देखते हैं हम, यहाँ पे कौन है। गाइस हमारे डेक्स नेम में एक पोकेमॉन स्कैन हो रहा था, सो लेट्स सी। ओ भाई वो मैंने ज्यादा फिर से आ गया, फिर चला गया। गाइस डेक्स नेम में कोई पोकेमॉन आया था, सो लेट्स सी। गाइस यहाँ पे एक छोटा बच्चा है भाई मेरे सामने, देख मैं बहुत ही कमजोर हो चुका हूँ, यानी मेरा पोकेमॉन मुझे एक पोशन चाहिए, तो मुझे एक पोशन दोगे? अवश्य। ओके गाइस बच्चों की वैसे मदद कर देनी चाहिए हमें। ओके तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तू तो गला बैठ गया। ओके मैंने उसे एक पोशन दे दिया है, बहुत 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 अच्छी बात। गाइस आप भी इस बच्चे को जरूर एक पोशन दे देना, जैसे थोड़ी सी हेल्प होगी। बदले में मेरे कुछ देगा क्या? नहीं। ओके लेट्स गो गाइस, अब हमें आगे ओ बेरीज पड़ी हैं, बेरीज ले लेते हैं। गाइस डेक्सनी में पोकेमॉन स्कैन हो रहा है, मैं आई थिंक ले लेना चाहिए वो पोकेमॉन। सो लेट्स सी गाइस कौन सा पोकेमॉन है वो। ओके गाइस पोकेमॉन एक्स के हमने इतने ज़्यादा एपिसोड्स बना चुके हैं गाइस हम ऑलरेडी। सो गाइज अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देखो गाइज, चैनल पे जाके चेकआउट करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे आराम से। भाई साहब चले ना, हे बॉडी कहाँ है, कोई पोकेमॉन है क्या यहाँ पे? ओ भाई साहब इधर इतना टेम नहीं है हमारे पास। सो गाइज यहाँ पे एक पोकेमॉन बैटल होने वाली है, सो ये गाइज करनी ज़्यादा ज़रूरी है आई थिंक। एक्सेप्ट मैं तुम्हें पैसों के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज करने वाला हूँ, देखते गाइज पोकेमॉन कितने ज़्यादा लेवल अप है, क्या हमें बैटल्स करनी है, करनी चाहिए या फिर नहीं। जिसके पास एक जिगागून है, लेवल अप गाइज होते रहेंगे ना, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं गाइज। मैं एक वीक ले लूँगा जिसके अंदर मैं एक वीक नहीं एक दिन ले लूँगा जिसके अंदर वीडियो नो अपलोड, सिर्फ और सिर्फ गाइज लेवल अप करेंगे। सो लेट्स सी गाइज यहाँ पे एक जिगजागून आ चुका है जिसके पास आई थिंक कितने लेवल का होगा ये। सो गाइज वहीं अगर हम हमारी तरफ देखें तो हमारे पास फिलहाल डेडपूल है, और गाइज मेरे पास अभी एक ही पोकेमॉन अभी तक मैंने पकड़ा है, क्योंकि गाइज अभी तक मेरे को ऐसा कोई पोकेमॉन लगा नहीं तो भाई मुझे पकड़ना चाहिए ऐसा हो। ओके तो गाइज उसका 8 लेवल का है और मेरे पास यहाँ पे 10 लेवल का है, तो आई थिंक मेरे को यहाँ पे एम्बर अटैक करना चाहिए। ओके गाइज वो फायर टाइप है ना मेरा टॉर्चिक यानी डेडपूल गाइज, उसको थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा उसके ऊपर। सो अब देखते वो बर्न हो चुका है, बहुत अच्छी बात, काश वो मेरे को डैमेज ना दे ग्राउल। हाँ सो लेट्स गो गाइज, वो बर्न हो चुका ना गाइज, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। सो गाइज 30 मिनट्स का मैं एपिसोड बनाने वाला हूँ, सो आई थिंक आप इस एपिसोड को देखते हुए मज़े लोगे। लेट्स गो गाइज, मैं काफ़ी गाइज ट्राई कर रहा हूँ भाई आप लोगों को इंटरेस्ट दे मिले, जो आपको चाहिए ना एंटरटेनमेंट गेम्स आप लोग भी खेलिए ना गाइज, ये गेम ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा गेम होगा, मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। अगर आप इसका डाउनलोड प्रोसेस नहीं जानते तो गाइज चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है कि हाउ टू गेट 340 FPS इन ओमेगा रूबी सीट्रा एमुलेटर, तो उसमें बस यूज़ किया था। तो गाइज़ ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाओ गाइज जल्दी से जल्दी देखो ना उसको, फॉर वॉट आई एम वेटिंग। सो लेट्स गो गाइज, हमने यहाँ पे इस बंदे को हरा दिया, बड़ा क्यूट सा बंदा, नहीं क्यूट नहीं थोड़ा डेंजरस लगा मेरे को, कुछ ही हो ना, हमें चलना है गाइज आगे।
सो लेट्स गो गाइस, हमारा ब्रैंडन अभी आगे की तरफ जाएगा। डेक्स ने अभी तक मैंने एक भी पोकेमॉन जो स्कैन हुआ ना उसको पकड़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी तक गाइस मेरे को लगा नहीं है डेक्स ने में कुछ खास पोकेमॉन था। सो लेट्स सी गाइस, हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़े जंगल में आ चुके हैं और आई थिंक मैप कहाँ है, इधर से ही जाना है। ओ गाइस, ये कीड़ा पकड़ने वाला गाइस हमारे यहाँ पे एक बार लड़ने के लिए आ चुका है। ओके गाइस, इसको भी हमें हराना पड़ेगा, तो गाइस हमारे पास, ओ भाई इसके पास 3-3 पोकेमॉन है, वो भी वर्मपल। काश इसके पास ज़्यादा लेवल के ना हो, काश गाइस, काश काश काश। सो लेट्स सी गाइस, डेडपूल यहाँ पे अकेला है और सामने 3 पोकेमॉन्स है गाइस, ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। चलो उसके पास 5 लेवल का है, बहुत अच्छी बात है। 1 एम्बर के अंदर भी गाइस वो लोग समझ सकते हैं, समट यानी गाइज अगर आप सोच रहे हो यानी इकट्ठे हो सकते हैं। तो हमारे टॉर्चिक ने यहाँ पे किया है एम्बर अटैक और 1-टैप हेडशॉट के साथ टॉर्चिक ने किया है गेम को खत्म। टॉर्चिक, ओ भाई साहब, व्रम्पल गाइज पहला पोकेमॉन फेंट कर दिया है और इसे मिला है 60 एक्सपीरियंस। सो लेट्स सी गाइज, अभी हमें एक्सपीरियंस शेयर मिल जाएगा ना, उसके बाद तो गाइज मतलब ज़्यादा लेवल अप की दिक्कत नहीं होगी ना सेकेंड थर्ड पोकेमॉन वगैरह को। और गाइज पोकेमॉन एक्स का भी एपिसोड जल्दी आएगा, और गाइज फायर एश अभी चैनल पे 2 उसके एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोडेड है। सो गाइज अगर आपने उनको नहीं देखा तो प्लीज़ गाइज चैनल पे चेकआउट करो। और गाइज वाइट वर्जन भी अभी साथ में चल रहा है, काफ़ी बंदों ने मेरे को कहा था भाई इसको रैंडमाइज करके खेलो बट गाइज मैंने सोचा एक बार पहले नॉर्मल गेम ट्राई करते ताकि मेरे को थोड़ा मैप्स वगैरह का नॉलेज हो जाए, उसके बाद ही गाइज रैंडमाइज में ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइज यहाँ पे इसका लास्ट पोकेमॉन है जो भी है रम्पल का हो या रम्पल, बात एक ही है गाइज। हमारे एक अकेले डेडपूल ने देखो इनको कितना डैमेज दे दिया है गाइज। ये सेकेंड स्क्रीन है ना, इसकी वजह से जो होता है ना वही होता है, बाकी मेन स्क्रीन एकदम अच्छे से काम करी। लेकिन गाइज इस वाले में हमें डबल क्लिक करता हूँ तब जाके उस पर एक टैप होता है, वो गाइज इसकी साइड स्क्रीन में स्क्रीन टच है वो बात अलग है। बट जो भी है गाइज, सीट्रा एमुलेटर बेस्ट है एंड्रॉयड के गेम्स खेलने के लिए, वो भी 3DS के, नहीं तो गाइज आज के टाइम में कहाँ मिलता है ऐसा मस्त एंड्रॉयड। तो कीड़ा पकड़ को हमने हरा दिया है, सॉरी कीड़ा पकड़ने वाले लड़के को हमने हरा दिया है। सो लेट्स गो गाइज, अब हमें आगे की तरफ चलना चाहिए। और गाइज टॉर्ची किसी के साथ लेवल 12 का हो चुका होगा। यहाँ पे एक पोकी बॉल है जिसके अंदर हमें मिला है एक पैरालाइज हील, दैट्स गुड गाइज। अभी गाइज हमें साथ ही साथ पोकेमॉन एक्स को भी खेलना है ना, इसलिए गाइज मैं आपको वीक में 4 बेस्ट एपिसोड्स प्रोवाइड करना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन गाइज मैं आपको 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके गाइज, ये मेरा पहला पोकेमॉन होगा। सो लेट्स सी गाइज, ये कौन सा पोकेमॉन है जो हमें डेक्स ने में शो हुआ है गाइज। ये हमें मेन ने दिया था डेक्स ने, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन। ओ भाई साहब, इसका गाइज ये तो मेरे को आई थिंक पकड़ना ही चाहिए गाइज। मैं जानता हूँ गाइज ये सोने वाला पोकेमॉन है, लेकिन अगर हम इसको इवॉल्व कर लेते ना गाइज एक बार, जस्ट फॉर 1 सेकेंड, अगर हम एक बार इसको इवॉल्व कर लेना तो फिर गाइज अगर बस ये मरे ना ना गाइज तो मैं इसको ज़रूर पकड़ने वाला हूँ। मरे ना, बस नहीं मरा, चलो गाइज अच्छा है। ओके उसने क्या, वो सो रहा है, उसका तो गाइज यही है, नहीं वो सो नहीं रहा, ये कौन सा अटैक था। वैसे गाइज वो आलसी पोकेमॉन है, बट गाइज उसका जो आगे आने वाला इवोल्यूशन है ना उसको गाइज आप देखोगे ना भाई साहब क्या मस्त पोकेमॉन। और गाइज हमें हमारी टीम का दूसरा मेंबर यानी गाइज प्लेयर मिल चुका है जो हमारी टीम में शामिल होगा। ओके लोफिंग अराउंड गाइज, वो सोता रहेगा, ओ मैं भी सो गया। ओके उसको देखकर मेरा टॉर्चिक भी आलस में आ गया है स्लिप, बट मेरे को तो सिर्फ पोकी बॉल फेंकनी है, पोकी बॉल एंड गो फॉर इट। एंड गाइज हम यहाँ पे उसके ऊपर यूज़ कर लिया है एक पोकी बॉल, सो हमने यहाँ पे एक पोकी बॉल फेंकी है, क्या वो पोकी बॉल में कैच होगा। हमारा गाइज दूसरा एनकाउंटर है ये, काश काश गाइज पकड़ में आ जाए आलसी पोकेमॉन, प्लीज यार पकड़ में आ जा भाई साहब। गाइज फाइनली हमने एक और पोकेमॉन पकड़ लिया है गाइज, जो मेरे को डेक्स ने में शो हुआ था, ये बहुत 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 अच्छा पोकेमॉन है गाइज। अगर हम इसको अच्छे से इवॉल्व कर लेना तब तो गाइज हमें मिला है 40 एक्सपीरियंस, और गाइज इसका डेटा पोकेडेक्स में एंट्री कर चुके हैं हम। लेकिन यार वो सो गया ना, चलो हाइट वगैरह टाइम्स एनकाउंटर 1, चलो इसका पोकेडेक्स नंबर
37 है. नेक्स्ट गो. नो नो, हम इसको कोई निकनेम नहीं देगा. मैं निकनेम नहीं दूंगा यार, कोई नाम अगर अच्छा लगा तो ही दूंगा गाइस, अगर मेरे को याद रहा तो. मैं किधर से जाऊँ अब, मेरे को लगता है इधर से जाना है. ओके गाइस, यहाँ पे क्यूट क्यूट सी लेडी है, मुझे उनसे बात करनी चाहिए. ए, मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हूँ. ओके, ये कौन है अभी पता चले. हेलो, क्या तुमने कोई श्रोमिश नाम का पोकेमॉन आसपास देखा है? मैं उस पोकेमॉन को बहुत पसंद करती हूँ. ओ, जब भी मैं सोचूँ ना कोई टेक्स्ट है, इस पीछे से आ गया है टीम मैग्मा. टीम मैग्मा ने लिया हमसे पंगा, अब होगा दंगा, बहुत मज़ा आएगी. देखो लड़का है. ओके टीम मैग्मा, ओ यही वो लड़के हैं जो पीटर बैकवर्ड्स के पास थे. ओके, मेरे को लगा है ऐसा. क्या तुम मुझे अपने सारे पोकेमॉन दोगे जो भी तुमने रिसर्च के लिए लिए थे? अब मेरे से बचने के लिए कह रही है कि मुझे बचाओ प्लीज प्लीज प्लीज. अब गाइस मेरे को लगता है एक्सपीरियंस शेयर भी यही देगी. ओके चलो, तुम इसे बताना चाहते हो, तुम जानते रहें कि टीम मैग्मा कितनी बड़ी शाती टीम है, तुम्हें लड़ना होगा हमसे. हम लड़ेंगे भाई, हम लड़ेंगे. ओ भाई साहब, टीम मैग्मा क्या एनिमेशन दिया है. फाइनली गाइस, टीम मैग्मा ग्रंट आ चुका है यहाँ पे, उसके पास एक पुचिया ना. चलो और गाइस, यार मैं बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा हूँ गाइस, अल्ट्रा सन या फिर मून कोई भी गेम प्ले मिल जाए ना गाइस, उसका भी बहुत ज़्यादा मतलब गाइस मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ ना उसको. वो सो रहा है, उसकी आँखें बंद है गाइस. असल में अब देखिए अगर वो उठ जाता है तो, वैसे इतनी जल्दी तो कहाँ उठेगा. ओके गाइस, हमारा यहाँ पे टॉचिक सोया हुआ है, नहीं तो अभी इसको इकट्ठा कर देता. हाउल अटैक उसने मेरे ऊपर किया है. ओके, जिससे मेरा डिफेंस कम होगा. नहीं, उसका ही अटैक रोज हुआ है. ओके, अब तो उठ जाना प्लीज डेडपूल. या भाई वो टाइम लेगा अभी इसको सोने में. यार गलत कर दिया, पोकेमॉन पकड़ा उसने ही अपन को, फेयरलेस स्लिप कर दिया. यार पूछिए ना, तू भी सोचा ना, उसने टैकल कर दिया गाइस, ये मेरे लिए दिक्कत वाली बात है. ओके, मेरे को टैकल पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है गाइस उसके. अब प्लीज़ गाइस, अब डेडपूल अब ज़्यादा कर देगा अगर. ओ भाई साहब, यार कब उठेगा ये गाइस, कब उठेगा ये. लगता है अब ये लास्ट इसका अटैम्प है. अब तो उठ जा, या अभी बेइज्जती करवा के ही मानेगा. डेडपूल गाइस आज कुछ ज़्यादा सो गया ना डेडपूल, अब तो उठ जाए भाई प्लीज. हाँ चलो, फाइनली वो उठ गया. और गाइस उसने किया है एम्बर अटैक. पुचियाना को गाइस बहुत अच्छा डैमेज पड़ा है, और उसने मेरे ऊपर फिर से किया है वही हाउल अटैक, जिससे उसका अटैक इंक्रीज हो गया है. ओके अच्छा होगा, इसमें कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा इसकी वजह से. और मेरे को एक पोशन भी लेना चाहिए ना. सो गाइस, हमने यहाँ पे कोरबा एम्बर अटैक किया है. लेट्स गो पुचियाना, तेरी हार हमारे सामने आ चुकी है. सो ब्रो भाई भाता श्री, हमने ये बैटल जीत ली है. सो लेट्स गो गाइस, आगे के एडवेंचर में हमें 108 एक्सपीरियंस मिला है. एक्सपीरियंस शेयर नहीं मिला ना अभी तक. ओके, ये कह रहा है तुम बहुत ही ताकतवर हो. अभी देखते हैं गाइस क्या कहेगा ये हमसे. मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें टीम मैग्मा से लगातार लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मुझे हराने की कोशिश की, हराया है सॉरी. मैं आज तो जा रहा हूँ लेकिन कल फिर आऊँगा. वही हमेशा वाली धमकी. हे लेडी, क्या तुम मुझे एक्सपीरियंस शेयर नहीं दोगी? ओके गाइस, ओ तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि वो लोग चले गए, मेरे पेपर्स नहीं छीन पाए. लो तुम्हें मैं एक्सपीरियंस शेयर दे देती हूँ, जाओ तुम्हारी परफॉर्मेंस की मदद करेगा जल्दी से इवॉल्व होने में. ये बहुत ही हाईटेक डिवाइस है जो तुम्हारे बाकी पोकेमॉन्स को भी एचपी देगा, यानी गाइस वही एक्सपीरियंस वाली बात है. मैंने गलती से एचपी बोल दिया, बट कोई बात नहीं. पीटर बग वुड्स में है अभी हम. सो लेट्स गो गाइस. ओके, मेरी एचपी भी रिस्टोर कर दी है इन्होंने. क्या मुझे जाना चाहिए? मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए तुम्हारे पीछे. इस 15 मिनट्स अभी भी हैं हमारे पास, और 15 मिनट्स में हमें जिम बैटल करनी है आज के, क्योंकि मेरे को थंबनेल अभी तक मिला नहीं है. क्या रखूँगा मैं? पहले मेरे को जाना चाहिए बैग में, क्योंकि आई थिंक मेरे सामने एक लड़का आ गया है जो लड़ेगा. नहीं, ये तो पोकेडेक्स है. पोकेडेक्स यार इसमें फिल करो या नहीं करो, तुम छोड़ो नहीं करेंगे. मेरे को जाना है बैग में.
सो लेट्स गो गाइस, हमें यहाँ पे कहीं की आइटम्स में पड़ा होगा एक्सपीरियंस शेयर। ओके ऑलरेडी ऑन है। ओके गाइस, अब हम कहीं पर भी फ्रीली जा सकते हैं अगर हमें कहीं भी जाने की। ओ भाई साहब, यहाँ पे एक पोकेमोन आया था गाइस, जैसा था वो। ओके गाइस, यहाँ पे एक और पोकेमोन ने एनकाउंटर किया है हमारे सामने। अब वो ना जाने कौन सा पोकेमोन है। व्रमपल गाइस, क्या बड़ी मिस्ट्री हमने सॉल्व कर दी। ओके तो हमारे यहाँ टॉर्चिक आ चुका है, और गाइस टॉर्चिक ने किया है एम्बर अटैक। वैसे मैं इसके ऊपर क्या करूँगा एम्बर अटैक, चलो छोड़ो। अरे यार कहाँ कहाँ क्लिक हो रहे हैं, इतने में तो एम्बर अटैक कर ही देता। हम जा रहे हैं गाइस यहाँ से, क्योंकि गाइस सामने एक और बैटल, और आज हमें साथ ही साथ जिम बैटल भी लड़नी है। तो गाइस मेरे को थंबनेल अभी तक मिला नहीं है इसका, कि मेरे को क्या रखना है। तू लड़े ना यार मेरे से। हाँ चलो गाइस, यहाँ पे एक और टीम आ चुकी है। सॉरी बग कैचर, मैं बहुत ही पॉपुलर हूँ यहाँ पे। ओके बग कैचर, तू लड़ सकता है हमसे। ओके मैं बग कैचर जेम्स हूँ, कीड़ा पकड़ने वाला जेम्स। इसके पास निनकांडा है, निनकांडा भाई निनटेंडो दे देना, निनकांडा है तो। जिस दिन हम निनटेंडो खरीदेंगे ना इस चैनल की बदौलत, अगर गाइस हमारा चैनल ग्रो हो पाया। हम मेहनत तो गाइस काफ़ी कर रहे हैं, अगर आप देखें तो बहुत सारे गेम्स थ्योरीज में ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो यार प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस, अगर हम कभी निनटेंडो खरीद पाए इस चैनल की बदौलत। तो गाइस सबसे पहला जो मेरा काम होगा ना वो क्या होगा, कि भाई साहब वन टैप हेडशॉट गाइस उसके अंदर पोकेमोन शील्ड या फिर स्वॉर्ड खेलूँ। और गाइस आप लोगों के लिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करूँगा गाइस, क्योंकि निनटेंडो स्विच बहुत महंगा आता है। और गाइस इतना तो मैं ऐसे तो डाउनफॉल या बर्थडे गिफ्ट के से था तो अफोर्ड कर नहीं सकता, ना हो लैपटॉप है जो भाई काम भी आए। और गाइस इट्स अ गेमिंग आर्टिकल, वैसे ही कोई बात नहीं। जब भी गाइस हम कभी खरीदेंगे इस चैनल के बदौलत, तो गाइस उसमें सबसे पहला काम यही होगा हमारा। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे एक पोकेबॉल पड़ी थी, मैंने उसे ले ली। इसमें मुझे ईथर मिला है, बहुत अच्छी बात है गाइस। अब हम नेक्स्ट सिटी पहुँचने वाले हैं। सो देखेंगे नेक्स्ट, आज के एपिसोड में तो हम जिम बैटल लड़के ही रहेंगे। अब जल्दी जल्दी भागे ना। ओके मैं इसको डांटना नहीं चाहता था ब्रैंडन को, बट कोई बात नहीं। ओके आज अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो, ओ ब्रैंडन अपने आप जा रहे, टीम मैगमा का बंदा यहाँ पे है। अभी क्या, मैं पीटर बक रॉक कौन टीम को चेक इन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डर चुका हूँ, मुझे मिस्टर क्रोटस मिली, एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैं इससे रुकने वाला नहीं हूँ। मैं और भी ज़्यादा इसके बारे में ढूंढने वाला हूँ। ओवर नाउट। ओके अभी क्या कहेगा, अभी आसपास देख रहा है बस, चला जाएगा। ओ यहाँ पे एक की ट्रेनर भी था जिसने मुझे हराया है, मैं उसके को एक मामूली बच्चा नहीं मान सकता, वो थोड़ा खतरा हो सकता है हमारे लिए। ओके भाई अब हम ब्रैंडन से मिल लेते हैं वापस। ओके गाइस अभी भी हमारे पास 12 मिनट्स हैं एपिसोड को कंटिन्यू करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी बेरीज हैं। ओके और ये मैंने ले ली। ओके गाइस बेरीज काफ़ी है, मदद करेंगी हमें गेम में। बस मेरे को ज़्यादा बेरीज चाहिए नहीं गाइस, ज़्यादा बेरीज नहीं चाहिए, मैं इतना ज़्यादा लालची नहीं बनूंगा यहाँ पे। ओके आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स आने वाले हैं। मैं चाहता तो गाइस इसके पीछे से निकल के इसको छोड़ सकता था, बट मैंने सोचा यार क्यों ना लड़ लें, थोड़ा एक्सपीरियंस ही मिलेगा इससे ज़्यादा, क्योंकि स्लोपक भी गाइस अभी इवॉल्व होना बाकी है। ओ यहाँ पे क्यूट सी लेडीज हैं जिसके पास एक जिगजागून है मेरे से लड़ने के लिए। ओके वन टैप हेडशॉट, इसको पेल देंगे गाइस हम, वन टैप हेडशॉट पेलेंगे इसको। गो डेडपूल, तुम्हें जाना होगा गाइस। डेडपूल यार अभी तक हमारा कंबस्कन बना नहीं है, बट कोई बात नहीं गाइस, श्योर हम इसको जल्द से जल्द बनाएंगे, लेवल 13 का हो जाएगा गाइस अभी। ओके यहाँ पे एक और टैकल अटैक। ओके टॉलविक गाइस उसने किया है जिससे मेरा डिफेंस कम होगा, या थोड़ा सा लैग हो रहा था, बट कोई बात नहीं मेरा डिफेंस कम हो गया ना, और कुछ नहीं। ओके अब देखते हैं गाइस वन, एक और एम्बर, बस एक और एम्बर की यहाँ पे जरूरत है, और वो टॉर्चिक कर देगी। एम्बर अटैक गाइस अभी तक इसका सबसे पावरफुल अटैक लगा,
क्योंकि गाइस जो फर्स्ट जिम है ना वो बग टाइप है, आई थिंक मेरे को ही यहाँ पे एक एडवांटेज पड़ता है। फिर से उसने ग्राउल अटैक किया जिससे मेरा अटैक कम हो जाए। ओके अटैक यहाँ पे फेल हो चुका है मेरा, मैं यहाँ पे स्क्रैच अटैक करता हूँ, क्या पता मेरा पहले लग जाए। उसने यार फुल रिस्टोर यूज कर लिया, बहुत गलत हुआ गाइस मेरे साथ। तो यार ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा ऐसे तो, ये आज के एपिसोड तो लगता है मैं फुल नहीं लड़ पाऊँगा इसमें जिम में। ओके अब मेरे को फिर से यहाँ पे एम्बर अटैक करना पड़ेगा। मैं इसको छोड़ देता ना गाइस, बहुत ज़्यादा टाइम बचता मेरा, लगभग एक डेढ़ मिनट बचता। ओके इसने फुल रिस्टोर गलत यूज़ किया ना, और कुछ दिक्कत नहीं। एम्बर अटैक, अब आगे कोई गाइस ज़्यादा दिक्कत वाले ट्रेनर्स ना होना ऐसे भाई, जो पोशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर गाइस कोई दिक्कत नहीं, हम सीधा जिम लड़ेंगे आज। आज गाइस पूरा प्री प्लान्ड हो यार, कहीं आज हम जिम लड़े। उसने मेरे ऊपर टैकल किया, ओ भाई साहब तो इतना 10 का डैमेज खाता है ये टैकल से। ओके गाइस ओके 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 हमने यहाँ पे बैटल जीत ली है। हे बॉयज एंड गर्ल्स हमने ये बैटल जीत ली है। सर नमस्कार भाई और उन सभी की बहनों, मैं हूँ एक खराब मिमिक आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो मेरे को कहो ही मत, वो गाइस मैं इसे मज़े से करता हूँ टाइम पास, क्योंकि मैं अभी इतना मेरा मतलब परमानेंट भी नहीं है। ओके मेरी टीम को मिला है बाकी का बचा हुआ एक्सपीरियंस, और गाइस मैंने इस ट्रेन को हरा 1200 रुपये दिए इसमें मेरे को जीतने पर, अच्छी बात है, जिसमें ढेर सारे पोशन खरीदूँगा और आगे की तरफ जाऊँगा। सो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे हमने एक और ट्रेनर बैटल स्किप कर दी, अच्छा हुआ हमने ये कर दी। ओ भाई साहब ये दोनों लड़कियां एक साथ लड़ेंगी, यू वाना डू बैटल, हम लड़ेंगे गाइस हम लड़े, लड़ना पड़ेगा। ये दोनों बच्चियों के पास 2 पोकेमॉन है। ओके कौन कौन से हैं वो, मेरे पास तो गाइस 2 पोकेमॉन है। स्लोपक तो वैसे कुछ करेगा नहीं, वो सामने वाले को सुला सकता है बस ज़्यादा से ज़्यादा। ओके गाइस यहाँ पे स्लोपक भी आ चुका है भाई साहब, 4v4 की बैटल है गाइस यहाँ पे। पहले यहाँ पे गया है एम्बर अटैक टू सी डट, ओ भाई साहब और स्लैग कूद करने वाला है स्क्रैच। ओके गाइस मैं पहले दोनों एक ही बंदे पे अटैक किया है, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूँ उसने बाइट अटैक किया, मैं ये चाहता हूँ गाइस कि पहले एक जना डैमेज हो जाए बिल्कुल फुल, मतलब जितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है ना, ताकि उसको मेरे को मारने में आसानी हो। सी डॉट को ही गाइस मैं ज़्यादा डैमेज दे रहा हूँ यहाँ पे पहले, अगर वो नहीं बचा। ओके तो हमने यहाँ पे सी डॉट को ख़त्म कर दिया है गाइस, और यहाँ पे एक और पोकेमॉन है हमारी टीम को भी मिला है, और उसको का 6 का हो गया है। ओके नाइस नाइस वेरी नाइस, अभी तो गाइस वैसे इसका ज़्यादा कुछ काम नहीं है, उसने एनकोर यानी सो रहा है, उसने बबल अटैक किया। ओके दोनों पे कर दिया, मेरे टॉर्चिक को ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ना चाहिए ना। स्लैक कूद तो गाइस वैसे कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, स्क्रैच कूद ने अब किया है स्क्रैच अटैक गाइस, चलो वो भी थोड़ा अटैक कर रहा है, मेरे को इतना देख कर अच्छा लगा कि भाई वो अटैक कर रहा है। सो लेट्स गो गाइस स्क्रैच, वो मैंने किसके ऊपर अटैक करवा दी इसको, उसने एनकोर अटैक सीख लिया था। ओके एम्बर अटैक जो और बचा हुआ गाइस स्क्रैच अटैक है ही उसके पास। ओके यार मेरे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया गाइस, आज तो बैटल लड़नी बहुत मुश्किल लग रही है मेरे को। ओके डेडपूल को गाइस बहुत डैमेज पड़ा है, लोफिंग अभी कर देना कुछ अटैक, लेकिन वो तो सो गया। लोफिंग गाइस अभी अटैक कम ही कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हो, लोफिंग का ज़्यादा काम नहीं है अभी, क्योंकि गाइस स्लोकेट मैं इसका नाम ही गलत बोल रहा था, खैर कोई बात नहीं गाइस हमने यहाँ पे इस पोकेमॉन को हरा दिया है। अब गाइस हम दोनों लड़कियों को छोड़कर आगे की तरफ जा सकते हैं, जिससे हमारे लिए अच्छी बात है। स्लोकत इवॉल्व हो जा, कब इवॉल्व होगा ताकि थोड़ा सा काम करने वाला बंदा बने।
नॉर्मल मेरे डैड है ना, उनके पास सिर्फ यही पोकेमोन नहीं, सिर्फ यही नहीं, मैंने आज का वो एपिसोड देख रखा है जब उनसे लड़ता है, ज़्यादा पोकेमोन गाइस उनके यही होते, तीन पोकेमोन थे, तीनों इसके ही इवोल्यूशन थे, थर्ड वाला गाइस क्या ताकतवर होता है इसका, इसलिए गाइस मैंने इसको पकड़ा है। होइन में गाइस ये काफ़ी अच्छा पोकेमोन है, क्योंकि गाइस मैंने जहाँ तक की और यूट्यूबर्स को देखा है वो लोग गाइस इतना मतलब इतने अच्छे उनके पास मेरे को लगे नहीं थे भाई कोई जैसे पोकेमोन्स हो। ओ मैं यहाँ पे पोकेमोन्स ढूंढ रहा हूँ, ओ भाई साहब मैंने इसको बैटल के लिए चैलेंज कर दिया, काश मैं यहाँ से चला जाता, मैजिक आप है इसके पास तो वाटर टाइप वो भी। भाई साहब आज तो एपिसोड लंबा ही बनेगा, 40 मिनट्स का लगभग। एम्बर अटैक इस पर काम करेगा नहीं, बाकी कोई ज़्यादा डैमेज देता नहीं। चलो स्क्रैच अटैक ही देखेंगे, क्योंकि एम्बर अटैक इस पर बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि एक वाटर टाइप है। ओके मेरे को बस दो स्क्रैच करने पड़ेंगे। मैजिक आपका तो मेन अटैक है स्प्लैश जैसे, बट नथिंग हैपेंड, बस सच यही चाहिए गाइस, हमें ज़्यादा डैमेज ना पड़े और गाइस हम जल्दी से जल्दी ये बैटल जीत जाएं। सो लेट्स सी गाइस, हमने यहाँ पे एक और स्क्रैच अटैक कर दिया है और मैजिक आप यहाँ पे ख़त्म, मैजिक आप फेंट हो चुकी है। और गाइस अभी नेक्स्ट पोकेमोन भी आई थिंक मैजिक आप ही दे इसका, उसका नेक्स्ट पोकेमोन भी है मैजिकाप, नहीं मैं पोकेमोन नहीं बदलूँगा, क्योंकि गाइस यही इसको ज़्यादा जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकता है, ताकि हम आज ही गाइस जिम बैटल करें कि आज हम कर पाएंगे लास्ट। गाइस मैंने उसमें भी देखा था कौन सा अटैक, एम्बर अटैक, चलो लेट्स सी गाइस वैसे काम करेगा नहीं बट कर भी दे, क्योंकि एम्बर काफ़ी ज़्यादा ट्रेन हुआ था। चलो गाइस वन में ही किल कर दिया है, वन टैप हेडशॉट कह सकते हो इसे। अब मैं फ्री फायर खेलता था ना, इसलिए आप लोग सोच रहे हो भाई एक जो पोके ट्यूबर होकर मतलब फ्री फायर लैंग्वेज, बट मैं पहले वही खेलता था पोके ट्यूबर, तो गाइस मैं अभी अभी जस्ट बना हूँ। डेडपुल लग लग क्या मूव सीख रहे पैक, तो आई थिंक ये मेरे लिए अच्छा है अटैक, इट साउंड गुड। और गाइस मैंने यहाँ पे सैंड अटैक कर दिया है, फॉगेट लेट्स इरेज इट। ओके उसने ये भूल कर नया अटैक सीख लिया है, सो लेट्स गो गाइस अब हमें जिम बैटल करनी चाहिए। स्लोकिथ अभी तो, ओ अभी भी इसके पास एक पोकेमोन है, मैजिकाप है वो भी, तो मैं उसको भी एम्बर अटैक करूँगा, क्या पता नहीं तीसरा पोकेमोन है ये। चलो कोई बात नहीं, डेडपूल काफ़ी अच्छा लेवल हो चुका है गाइस 15 का, और 16 पे तो वो आई थिंक इवॉल्व हो ही जाएगा 16 पे या 15 पे। एम्बर अटैक फिर से, मैं ये देखना चाहता हूँ गाइस इसमें इवोल्यूशन मतलब जब हमारा पोकेमोन इवॉल्व होता है ना तो किस हिसाब से होता है। चलो गाइस जो बर्न हो गया अच्छा हुआ, नहीं तो मेरे को एक और अटैक करता टाइम लग जाता। ओके वैसे पहली बार देख रहा हूँ कोई वाटर टाइप पोकेमोन भी बर्न होता है, वैसे होता होगा मेरे को पता नहीं गाइस, मैं ज़्यादा पोकेमोन के एनिमी देखता नहीं हूँ। हाँ बस वही नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं मिलता, इससे एक्सपीरियंस मिला। सो लेट्स गो यहाँ से, इस फिशरमैन ने भी गाइस बहुत टाइम ले लिया, बूढ़े अंकल अब बूढ़े हो चुके हैं, हम अभी अभी नए नए पोकेमोन ट्रेनर बने हैं, इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस अभी कलेक्ट करना है गाइस। सो देखते हैं, हम यहाँ पे सिटी में आ चुके हैं, रस्ट ब्रो सिटी नाम है गाइस। सबसे पहले मैं इसको, मेरे को मे दिखेगी ना यहाँ पे, हाँ ओके यहाँ पे मे मिल चुकी है गाइस हमें। हे मे हाउ आर यू, ओ तुम रस्ट ब्रो सिटी आ चुके हो गाइस, मैं भी यहाँ पे काफ़ी समय पहले आ चुकी थी। अभी मेरे को क्या दिखा, ओ पूरी सिटी का ओवरव्यू यार, क्या मस्त सिटी है ना गाइस, मतलब पीटरबर्ग में तो यार चार ही ज़्यादा घर थे, और इसमें देखो मतलब भरमार लगा दी यार। सो लेट्स सी गाइस अभी क्या स्टोरी है। ओके वो जिम है, ये भी अभी इसको चैलेंज करेगी ना। ओ तो मैं पता है कि यहाँ पे एक जिम भी है, तो मैं उससे लड़ना चाहिए, मैं जाऊँगा अवश्य, बट कुछ पोशंस के साथ, पोशंस वैसे होंगे मेरे पास बहुत सारे। सी यू लेटर, मैं तुमसे फिर बाद में मिलूंगी। गाइस पोकेमोन एक्स में भी हमें जिम बैटल हरानी है, सो उसका भी मैं एपिसोड ले आऊँगा जल्दी से जल्दी। ओके गाइस मैं बताऊँ मेरा अपलोडिंग प्रोसेस क्या होता है, पहले एपिसोड रिकॉर्ड कर लो, उसको अनलिस्टेड में रखो, और जब उसका एपिसोड टाइटल सब कुछ लिख दूँ ना मैं, उसका थंबनेल वगैरह,
फिर गाइस इसलिए मेरे को अभी याद नहीं हो, मैं गलत अपलोड कर दिया ना, सो कोई बात नहीं गाइस, लेट्स सी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेट्स हैव सम भंगड़ा। हे नर्जॉय प्लीज़ मेरे पोकेमॉन हील कर दे यार जल्दी, मेरे से पास ज़्यादा टाइम नहीं है आज के एपिसोड से, मैं ज़्यादा बाहर बना भी नहीं सकता ज़्यादा टाइम से आउट ऑफ जाकर। अगर इसमें वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका साइज लगभग 1.1 GB हो जाता है, ओके, जो कि मेरे नेटवर्क, मेरे को वैसे तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है बट गाइस उसमें भी 8 GB ही है और बाकी सब घर के काम होते ना, क्योंकि गाइस वी आर अ फैमिली पर्सन, जिस गाइस कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं उसमें भी लग जाता है, कुछ गेम्स डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। लेट्स गो गाइस यहाँ से, लेट्स गो फ्रॉम हियर, ओके। यहाँ पे गाइस हमें 2 ट्रेनर्स मिलेंगे, नहीं 2 से 3 मिलेंगे। सो गाइज आज के एपिसोड में तो हम इतना ही रखेंगे, लेकिन गाइज नेक्स्ट एपिसोड में हम इस जिम को जरूर रहेंगे, क्योंकि गाइज मैं देख रहा हूँ टाइम ज़्यादा अप हो गया है। सो गाइज मिलते हैं एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिएगा ब्लास्ट ट्यूबर। गाइज चलो गेम को बंद कर देते हैं, पहले सेव कर देता हूँ। इस वीडियो का लाइक हम 10 लाइक्स कर रख रहे हैं, प्लीज़ गाइज जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिएगा उस लाइक गेम को, एंड पीस आउ।